क्वेश्चन नंबर 365 इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स. और अगर हम इसमें डायरेक्ट इसके डिनोमिनेटर को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हमें इसमें फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा. तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई टू द पावर माइनस एक्स. सो वी गेट ये होगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन और ये होगा 1 और ये ई टू द पावर माइनस एक्स. पुटिंग 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी. नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. 1 कॉन्स्टेंट है 0 होगा और ये ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आएगा. सो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय टी और ये ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स के जगह पे होगा माइनस डी टी. तो माइनस को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड टी. सो इक्वल टू माइनस लॉग मोड और टी की वैल्यू को पुट कर देंगे 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी.